एवरी डे इज अ न्यू डे दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर, और कुछ ऐसा ही है आज का ये वीडियो जिसमें हम बनाएंगे किचन को डेकोरेट करने के लिए कुछ इनोवेटिव एंड ब्यूटीफुल से आइडियाज। आई एम श्योर इन आइडियाज में से आपको कोई ना कोई तो पसंद जरूर आएगा। अगर आता है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, एंड आई विल बी रियली थैंकफुल अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वो DIY कौन सा है। आज के फर्स्ट DIY को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक फ्राइंग पैन या फिर कोई भी ऐसा यूटेंसिल जो थोड़ा सा डीप हो। मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है सैंड पेपर से। उसके बाद बेसिकली हमें इसके बैक पार्ट पे वर्क करना है, तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे होल। मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं थी इसलिए मैंने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ही इसमें होल बनाया है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बट ये हो जाएगा आसानी से। हमें होल का साइज इतना रखना है कि जो वॉल क्लॉक मशीन होती है वो इसमें अच्छे से फिट हो जाए। आप कोई भी डिजाइन बनाने के पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये जो साइज है ये ज्यादा बड़ा नहीं हो, अदरवाइज क्या होगा कि जो क्लॉक मशीन हम आगे चल के लगाएंगे वो इसमें फिट नहीं बैठेगा। होल बनाने के बाद हम इसमें लगाएंगे जेसो। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर एंड फेविकोल का एक मिक्सचर बना लीजिए और उसको भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जेसो को हम लगाएंगे दो कोट, और दोनों ही कोट जब ड्राई हो जाएं उसके बाद हम इस पे लगाएंगे एक्रेलिक कलर। कलर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कलर के भी दो कोटिंग करी है। जब कलर ड्राई हो गया है तो मैं यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर से स्प्लैशेस दे रही हूँ। स्प्लैश देने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम कलर और वाटर को मिक्स करेंगे, मतलब हम अपने ब्रश में वाटर लेंगे एंड देन कलर लेंगे और उसको धीरे धीरे टैप करेंगे पैन पे। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना स्प्लैश देने के बाद हम इसको रख देंगे अच्छे से ड्राई होने के लिए। अब हम आते हैं अपने DIY के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। तो क्योंकि हम टी सेट वॉल क्लॉक बना रहे हैं और इसे टी सेट का लुक देने के लिए मैंने लिया है किड्स के ये जो टी सेट आते हैं, हमें क्या करना है, हम इसमें से चार पीसेस लेंगे और हर एक पीस को हम इसे ऐसे सेपरेट करेंगे। ये प्लास्टिक का मटेरियल है और ये इस तरह से ज्वाइन होते हैं तो आप इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बस जो कप होते हैं उन्हें हमें नाइफ से कट करना पड़ेगा। अब ये जो हाफ पीसेस हैं इन्हें हम पैन पे स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, हम इस पे अप्लाई करेंगे फेविकॉल एंड देन हम इसमें लगाएंगे मोल्डेड क्ले। आप मोल्डेड क्ले से ही इसको स्टिक करिए क्योंकि ये ग्लूगन या फिर फेविकॉल से ऐसे स्टिक नहीं होगा। मोल्डेड लगाने के बाद हम फिर से लगाएंगे इस पे फेविकॉल एंड देन हम इसे स्टिक करेंगे पैन पे। तो मैंने सेलेक्ट किया है ये टीपॉट, ये क्रीमर, देन कप एंड देन सॉसर। सब कुछ अच्छे से स्टिक करने के बाद इसको हमें 1 से 2 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ देना है सो दैट जो क्ले होती है वो हार्ड हो जाए एंड देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। क्ले जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे जेसो एंड अगेन इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक हम लेंगे डिकोपाज पेपर या फिर कोई भी प्रिंटेड पेपर हो उसमें से ऐसे छोटे फ्लावर सेलेक्ट करके कट करेंगे और इसको हम स्टिक करेंगे टी सेट पे। आप चाहे तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप सिंपली अपने टी सेट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कर लीजिए। हम फ्लावर पे सबसे पहले थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये पेपर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम मॉड पॉज की हेल्प से इन डिजाइन को स्टिक कर लेंगे। फ्लावर स्टिक करने के बाद हमें लिखना है पैन पे एक कोट। तो मैं यहाँ पे टी लवर्स के लिए कोट लिख रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कोट सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हमें एक्रिलिक कलर की हेल्प से इसको लिखना है। उसके बाद मैं इस पे थोड़ी सी और डिटेलिंग करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटिंग टूल एंड देन आई एम एडिंग सम ग्लिटर विद द हेल्प ऑफ दिस 3D लाइनर।
कलर्स जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे उसके बाद फिट करेंगे हम इसकी मशीनरी, देन हम लगाएंगे इसके क्लॉक हैंड्स। तो सबसे पहले लगेगा आवर हैंड, देन मिनट एंड देन सेकेंड हैंड, और हमारी ये टी सेट वॉच क्लॉक रेडी हो जाएगी। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डिजाइनिंग हमने की है उसको हम किसी भी वार्निश या फिर सीलर की हेल्प से सील जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत करी है एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉयल इट, तो इसे प्रोटेक्ट जरूर कर लेंगे हम। तो ये है टी लवर्स की किचन के लिए एक ब्यूटीफुल सा वॉल क्लॉक। इस DIY को बनाने से पहले आई वॉज नॉट श्योर कि ये कैसा लगेगा, बट नाउ आई कैन से आई लाइक इट। Now for the next DIY हम डेकोरेट करेंगे इस एम्प्टी ग्लास जार को। हम इस पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे जेसो और वी कैन ऑल्सो यूज एक्रेलिक कलर। इस पर हमें दो कोटिंग करनी है जेसो की एंड देन हम इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे डेकोरेट करना है, जिसके लिए मैंने लिया है ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। इसको हमें पतला रोल कर लेना है। उसके बाद हम लेंगे ये फ्लावर शेप का क्ले कटर, इसकी हेल्प से हम क्ले से फ्लावर बनाएंगे। ये जो क्ले कटर मैं यूज कर रही हूँ इसमें डिफरेंट साइजेस और शेप का सेट आता है, तो मैंने दो डिफरेंट साइजेस के फ्लावर को कट किया है। ऐसे मैंने चार फ्लावर्स बनाए हैं। चारों फ्लावर्स को रेडी करने के बाद हम इन पर लगाएंगे फेविकोल और इन्हें एक एक करके अपने जार पे स्टिक कर लेंगे। मैंने इस तरह से फ्लावर को स्टिक किया है कि पहले बड़ा फ्लावर लगाया है एंड देन उसके ऊपर ये छोटा वाला। ऐसा ही एक सेट हम और स्टिक करेंगे। अब हम क्ले को ड्राई होने देंगे, इसमें आई थिंक 1 to 2 hours लगेगा, तो उसके बाद हम इसमें करेंगे कलर। नेक्स्ट स्टेप है कलरिंग का। तो जब क्ले ड्राई हो जाएगा तब हम फ्लावर पे करेंगे सबसे पहले व्हाइट कलर, ताकि जो हमारा फाइनल कलर होगा वो अच्छे से पॉप हो सके। हमें कलर को अच्छे से पहले ड्राई होने देना है, उसके बाद हम इसमें करेंगे पिंक एक्रेलिक कलर। उसके बाद हम इस पे गोल्डन एक्रेलिक कलर से स्पंज की हेल्प से थोड़ा टचअप देंगे। कलरिंग कंप्लीट होने के बाद ये जो नेक है बॉटल की, इसको हम थ्रेड की हेल्प से कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जरी का थ्रेड यूज किया है और इसको स्टिक करने के लिए मैं फेविबॉन्ड यूज कर रही हूँ। तो रेडी है हमारा सेकेंड DIY। हमने इसे अपने डाइनिंग टेबल पे एज अ नैपकिन होल्डर रखा है। आप इसको एज अ कटलरी होल्डर, एज अ पेन होल्डर, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज हम जैसा चाहें इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपना थर्ड DIY, जिसके लिए हम लेंगे एक वुडन स्पैचुला। अगर आप भी मेरी तरह किसी पुराने स्पैचुला को डेकोरेट करने वाले हैं तो इसे हम सबसे पहले करेंगे कलर, क्योंकि ये रखे रखे काफी डल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर कर रही हूँ ब्राउन शेड में। ब्राउन कलर करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक। इसके लिए मैं इस पे लगा रही हूँ थोड़ा सा रेड कलर और इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है पूरे में। उसके बाद हम इसके एजेस पे लगाएंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का अमाउंट हमें बहुत ही कम लेना है, क्योंकि ये ओवरडू हो जाएगा फिर।
ब्लैक कलर को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये शार्प लाइंस नहीं दिखे। कलर ड्राई होने के बाद हमें इस पे लिखना है अपना फेवरेट कोट और उसके बाद हम करेंगे इसे डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए जो हमने टी सेट लिया था टॉयज वाला, उसमें से मैंने ये दो सॉसर और एक स्पून ले लिया है। सॉसर पे मैं यहाँ डॉटिंग टूल की हेल्प से कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है और इस पे मैंने अलग अलग कलर्स का यूज किया है। इसी तरह से हम दूसरे सॉसर पे भी डिजाइन बना लेंगे। एंड देन हमारे ये स्पून भी रेडी है। जब सारे कलर्स ड्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें स्टिक करेंगे अपने स्पैचुला में। तो अगेन मैं स्टिक करने के लिए यूज कर रही हूँ मोल्डेड क्ले। बस हमें सिंपली लगाना है इसमें क्ले और फेविकोल लगा के हम इसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर मैंने ऐड करे हैं दोनों सॉसर और नीचे बॉटम में मैं स्टिक करूंगी स्पून को। And that's it, हमारा थर्ड DIY भी रेडी है। तो रेडी है हमारा वुडन स्पैचुला एज अ किचन वॉल आर्ट। इट्स सच एन इजी एंड क्यूट DIY। Now it's time for the fourth and the easiest DIY. तो इसके लिए हमें लेना है एक फोटो फ्रेम। ये 8x12 का फोटो फ्रेम है। सबसे पहले हम इसके बोर्ड को निकालेंगे और जो बोर्ड का फ्रंट पार्ट होता है जो कि हमें ग्लास पे दिखता है उसको हम व्हाइट कलर कर लेंगे। व्हाइट कलर ड्राई होने के बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे मॉड पॉज। यस वी आर गोइंग टू स्टिक द डिकोपाज पेपर और हम वही सारे स्टेप फॉलो करेंगे। मतलब हमें सबसे पहले इस पे लगाना है मॉड पॉज, देन हम लेंगे अपना डिकोपाज पेपर और इसको आराम से हम इस बोर्ड पे स्टिक करेंगे। अगर आपके पास डिकोपाज पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रिंट सेलेक्ट करिए, नेट से डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए एंड देन आप उसको स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई ब्रश की हेल्प से इस पेपर को स्टिक कर रही हूँ। पेपर जब अच्छे से स्टिक हो जाएगा तो हम इस पर एक लेयर और लगाएंगे मॉड पॉज की एंड देन अगेन लीव इट टू ड्राई। ड्राई होने के बाद इट्स डन एंड हम इस बोर्ड को फिर से फ्रेम में अटैच कर देंगे एंड आवर लास्ट एंड द इजीएस्ट वॉलडेकर आइडिया इज रेडी।